मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद खुदा जो हमारी ज़िंदगी में आने वाले हर तूफ़ान को थमा देता है, लहरें माकूफ हो जाती हैं, आंधियाँ थम जाती हैं जब वो उनको डांटता है, समंदर साकत हो जाता है और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो जाती है। तो आइए आज उसी कादिर खुदा के आगे एक बार फिर झुकें और उसे सजदा करें, क्योंकि उसे हमारी फिक्र है। आमीन। तो आइए आज एक बार फिर हम मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका चौथा बाब और उसकी 25वीं आयत में देखें कि खुदा उनके कलाम में क्या लिखा है। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा थम गई, बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं? आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है, और जब तक हम जिंदा हैं हमें अपने सफर को जारी और सारी रखना है, रुकना नहीं है बल्कि चलते जाना है और बढ़ना है। क्योंकि अगर हम रुक गए तो समझें कि हम मुर्दा हैं। कहते हैं कि खड़ा पानी भी बदबू छोड़ देता है। सो जब हम रुक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम डर जाते हैं, तो समझें कि हम मुर्दा हो चुके हैं, हम बदबूदार हो चुके हैं। जिंदा रहने के लिए हमें आगे बढ़ना है, और इस सफर में आने वाली हर आजमाइश का मुकाबला करना है। क्योंकि हमारी जिंदगी आजमाइशों, दुखों और परेशानियों से भरी हुई है। क्योंकि अगर जिंदगी में या जिंदगी के इस सफर में दुख नहीं आता, आजमाइश नहीं आती, तो फिर ये एक मसीही जिंदगी नहीं हो सकती, और ना हम पूरे तौर पर मसीह की कुदरत को जान सकते हैं। यहां पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भीड़ में था, और उसी भीड़ में से उसने अपने शागिर्दों को कहा कि आओ पार चलें। यानी कि हम अपने सफर को जारी और सारी रखें, हमें यहीं पे स्टक नहीं होना, हमें यहीं पे रुक नहीं जाना, बल्कि आगे बढ़ना है, ताकि हम खुदा की कुदरत को और ज्यादा अच्छे से देख सकें। और हम इस वाक्य में देखते हैं कि शागिर्द और यीशु मसीह कश्ती में हैं, और एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, और लिखा है कि यहां तक लहरें उठती थी कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। मेरे अज़ीज़ो, अगर लहरें कश्ती के बाहर रहें, यानी कि हमारी जिंदगी से बाहर रहें, तब तो ठीक है। लेकिन अगर दुखों और गमों के लहरें हमारी जिंदगी में, हमारे अंदर आ जाती हैं, तो फिर हमारी मुश्किलात जो हैं वो
भर जाती हैं। हो सकता है कई बार यीशु हमारे साथ हमारी जिंदगी की कश्ती में है भी, तब भी हम मुसीबतों और तूफानों का शिकार हों, आजमाइशें हमें घेरे हुए हों, जैसे कि शागिर्दों के साथ यीशु उनके साथ कश्ती में है, फिर भी वो एक बड़े तूफान का शिकार हुए और वो डरे और कश्ती पानी से डगमगा रही थी। आज दुखों से, आजमाइशों से, परेशानियों से हमारी जिंदगी की कश्ती डगमगाने लगती है और हम चिल्ला उठते हैं, आई खुदावन तुझे फिक्र नहीं, हम तो हलाक हुए जाते हैं। मेरे अजीजों, क्या वाक्य ही खुदावंद को हमारी फिक्र नहीं? अगर वो हमारे साथ है तो यकीनन उसे फिक्र है। और वो उठा और उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो जा, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। हमारी जिंदगी में जब बड़े बड़े तूफान उठते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मौजें उठती हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो मेरे अजीजों, हमारा खुदामंद उनको डांट देता है, थमा देता है और हर तरफ अमन हो जाता है। अगर खुदावंद यीशु हमारे साथ है तो फिर इस सफर में हमें खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 40वीं आयत में लिखा है, फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? तुम क्यों डरते हो? मेरे अजीजों, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो हमें बचाने पर पूरी पूरी कुदरत रखता है। कोई चीज भी हमें परेशान नहीं कर सकती। हर तरह का दुख, हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुश्किल में वो हमारे साथ है। और वो कहता है कि तुम डरो मत। अच्छा, जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, कोई बुराई आती है, तो हम अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर तरह की बुराई जो खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए भलाई पैदा करती हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, रोमियो 8:5। मेरे अजीजों, सब चीजें यीशु के वसीला से कायम रहती हैं, और जब मसीह हमारे साथ है तो सब कुछ उसके हाथ में है, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसे दिया गया है। और उसने कहा, क्या छोटे गल्ले मत डर, अपनी तमाम फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम क्यों डरते हो? खौफ ना करो, फकत एतकाद रखो। हमें डरना नहीं है, हमें फकत एतकाद रखना है। हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है और अपना सब कुछ उसके हाथ में दे देना है। उससे कहना है कि आए उस्ताद, आए खुदावंद, ऐ हमारे आसमानी खुदा राजा, तू हमारी जिंदगियों में राज कर, हमें खौफ से, मुश्किलात से, परेशानियों से रहाई और छुटकारा दे। हम जो तूफानों से डरे हुए हैं, हम जो लहरों से डरे हुए हैं, हम जो महंगाई के मारे लोग हैं, हम जो बीमारियों के मारे हुए लोग हैं, हम जो परेशानियों में और अब्लीस की जकड़न में दुख उठा रहे हैं, आए खुदावंद यीशु मसीह हमें आजाद कर, हमें रहाई दे, हमारी मदद कर,
उसने तो पहले ही कह दिया, डरो मत, फकत एतकाद रखो, क्योंकि वह हर एक चीज को डांट सकता है, हर एक चीज को रोक सकता है। आमीन।